हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय लाइव क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट टू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट टू। ठीक है, आपको याद होगा तो पिछले क्लास में आपको बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में 1 से लेकर के 4 तक, 1 से 4 तक हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए थे। और उसी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के दौरान। आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैट्रिक्स के दौरान जैसे मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाए थे तो उसके दौरान बताए थे कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी का अगर हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में बारी बारी से होता है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि जब भी हमको कोई स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना होगा तो वहां पे हम उस डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ बात? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिए, प्रॉपर्टी नंबर फाइव है कि यदि एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या के से गुणा किया जाए तो नए सारणी का मान मूल सारणी के मान का के गुणा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई सारणिक है और उसमें हम k का किसी भी राशि यानी किसी भी कांस्टेंट k का अगर गुणा कर रहे हैं तो वो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी k का गुणा करने के बाद उसकी वैल्यू मूल डिटरमिनेंट से जो है k गुणा जो है अधिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सारणिक है जिसका मान हमको 2 आ गया। ठीक है, अगर उस सारणिक में हमने 3 का गुणा कर दिया, ठीक है, 3 का जैसे ही गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करने के बाद जो सारणिक बनेगा उसका फिर विस्तार करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले से 3 गुना क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है A1, A2, A3। कौन कौन है? A1, A2, A3 इसके एलिमेंट हो गए। उसके बाद B1, B2, B3, उसके बाद C1 और यहाँ पे C2 और यहाँ पे कितना C3। इस तरह से डिटरमिनेंट दिया हुआ है। अगर हम इस डिटरमिनेंट में K का गुणा करते हैं तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक नया डिटरमिनेंट लेते हैं, डिटरमिनेंट 1। इसका क्या नाम देते हैं? डिटरमिनेंट 1। तो मान लीजिए कि इस डिटरमिनेंट में अगर K का गुणा करना होगा तो क्या करेंगे, अगर हमको K का गुणा करना होगा तो K into ऐसे लिखेंगे, यही होगा। तो K into क्या हो जाएगा? A1, यहाँ पे कितना होगा? A2, यहाँ पे कितना होगा? A3, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? B1, B2, B3 सेकेंड रो में हो जाएगा। अब देखिए तीसरे वाले पंक्ति में क्या होगा? C1, C2, C3। तो जैसे हम K का गुणा करेंगे, तरीका समझिएगा, जब भी किसी सारणिक में किसी भी डिटरमिनेंट में कांस्टेंट का गुणा होता है तो इस कांस्टेंट का गुणा हम किसी की एक पंक्ति या एक स्तंभ यानी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करते हैं। ठीक है, टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बस समझ रूल समझिए ध्यान से कि जब भी कांस्टेंट का किसी भी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना होगा तो उस डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए इसको हमको लिखना होगा मल्टीप्लाई करके, तो क्या लिखेंगे? देखिए डिटरमिनेंट 1 इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, अगर k का मल्टीप्लाई करना चाहें तो मान लीजिए हम R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें करें मल्टीप्लाई R1 में। अगर हमको R1 में मल्टीप्लाई करना है तो k का मल्टीप्लाई R1 में होगा। तो R1 में आने वाला एलिमेंट अवयव कौन कौन है? A1, A2 और A3। तो जैसे k का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? K A1, ये हो जाएगा। K का A2 में होगा तो K A2, इसमें कितना होगा जल्दी बताइए? K A3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? B1, B2, B3 होगा कि नहीं? उसके बाद लास्ट में क्या? C1, C2 और C3।
बस ये हो गया। देखिए तो ये क्या होगा, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वन, डिटर्मिनेंट वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट वन इक्वल टू कितना हो गया, के इंटू डिटर्मिनेंट। इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आएगा और फिर जो इसका वैल्यू आएगा वो इससे जो है कि वो इससे जो है ये कितना गुना होगा, दो गुना के गुना होगा ना, के का मल्टीप्लाई होगा तो के गुना होगा, और अगर टू का मल्टीप्लाई होगा तो टू गुना होगा, के कुछ भी हो सकता है, बस हमें तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बस एक चीज क्लियर रखेंगे कि के का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक और किसी एक कॉलम में करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरह से दिया हुआ था, उसमें के इंटू डेल्टा पूछा था, तो इसमें बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, एक किसी दो रो में था तो किसी एक रो में एक कॉलम में इस तरह से था, बहुत सारे उसमें ऑप्शन थे। तो जब भी आप देखेंगे डिटर्मिनेंट वाले मल्टीप्लिकेशन में के का, तो के का जब भी जो है किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा तो वो किसी एक रो किसी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में होगा, क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ध्यान समझिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 5। अब सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस होगा। देखिए किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में आप विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। मान लीजिए हम R1 के रेस्पेक्ट में करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, R1 के। अब चलिए मेरे साथ ध्यान समझिए, R1 के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, सबसे पहले 2 इंटू होगा ऐसे, इसके सामने वाला ये पंक्ति और स्तंभ रो और कॉलम कटेगा तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 1 का 2 में होगा 2, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर माइनस 3 इंटू, देखिए -3 इसको ऐसे लेंगे, इसे कट जाएगा रो और कॉलम तो 4 का 5 में 20 माइनस कितना हो जाएगा 6। उसके बाद लास्ट में प्लस 1 इंटू कितना होगा, इस तरह से कटेगा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा आपको। अब देखिए जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 2 6, ये हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग, ध्यान समझिए। उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे ये 20 माइनस 6 14 में 3 का करेंगे माइनस का 42। उसके बाद 4 माइनस 3 1 होगा, 1 में 1 क्या होगा तो प्लस का 1, ये हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 1 कितना होगा 7, 7 माइनस 42, 7 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 12 में सॉल्व करा दीजिए 5 हो जाएगा, यानी 5 और यहाँ पे 3 माइनस का 35, माइनस कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, -35 आया। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसमें अगर इस डिटर्मिनेंट में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी इतना से उस कांस्टेंट के, मतलब कि इतना और उस कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर आएगी, यही वैल्यू आएगी, तो उतना गुना हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए हम इसमें देखिए, इसमें मान लीजिए हम 5 का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या 2 का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमको नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वह इससे कितनी गुनी होगी, इससे कितनी गुनी होगी, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि ये उतना गुना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए ध्यान समझिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2, चलिए 2 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 2 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट में तो उस केस में नया डिटर्मिनेंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट 1 इसका नाम दे देता है डेल्टा 1, ठीक है, तो जैसे नया डेल्टा 1 मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा 1, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग,
देखिए हम डिटरमिनेंट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो क्या लिखेगा 2 डेल्टा 1, मतलब नया डिटरमिनेंट 2 डेल्टा 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो किसमें हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, रो में की कॉलम में, किसी में भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम फर्स्ट रो में करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 4। आपको पीछे बताया है कि जब भी किसी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का करेंगे 2 में 4, 2 का करेंगे 3 में कितना 6, 2 का 1 में करेंगे 2, ये हो जाएगा। उसके बाद बाकी का जो 2 रो है जिसको वैसे ही छोड़ देंगे, ये 4 1 2 3 1 5, ये दोनों पंक्तियों को छोड़ दिए इस तरह से। अब देखिए अब इसको एक्सपेंड करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहते हैं, चलिए हम आरोन के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो प्लस माइनस प्लस हो गया ये। इसको जैसे एक्सपेंड कीजिएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान समझिए, पहले होगा 4 4 इंटू, हमको तो पहले से मालूम है कैंसिल क्या आने वाला है, बोलिए इसका वैल्यू ऊपर वाले डिटरमिनेंट का, मूल डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया है -35, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट आया उसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो उसकी वैल्यू इससे कितनी गुनी होगी, 2 गुनी आएगी। तो याद रखिए 4 इंटू कितना हो जाएगा, ऐसे कटेगा 1 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 माइनस 1 का 2 में 2 हो जाएगा। उसके बाद -6 इंटू ऐसे कटेगा 4 का 5 में 20 माइनस 3 का 2 में कितना हो जाएगा 6, फिर उसके बाद प्लस कितना होगा 2 इंटू ऐसे कटेगा, देखिए ये स्तंभ और ये पंक्ति कटेगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3, लिख देंगे ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 होगा। उसके बाद माइनस इसमें से 6 कटाइए, 20 में से 6 कटेगा कितना होगा, 20 में से 6 कटेगा कितना होगा 14 हो गया, और 14 में 6 कीजिए कितना आएगा, 14 में 6 का बताइए जल्दी से कितना लिखे, बोलो -84 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 में से 3 कटेगा 1, 1 में 2 का करेंगे कितना होगा प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए 12 और 2 कितना होगा 14 -84 हो जाएगा, और इसमें से माइनस होगा 2 हो गया बेचारा, और ये 8 में से 4 सॉरी 8 में से 4 कटेगा कितना होगा, सॉरी 8 में से 1 कटेगा तो 7 हो जाएगा, या माइनस लगा देंगे -70 आ गया। तो देखिए तो ये कितना आया था -35 और ये कितना आ गया -70, तो इससे दो गुना है कि नहीं, इसका मतलब -70 को लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कितना हो जाएगा -35, ऐसा लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू -35 किसका वैल्यू है डिटरमिनेंट का, देखिए डेल्टा का लिखा था तो डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि डिटरमिनेंट 1, देखिए ध्यान समझिए इसका मतलब कि डिटरमिनेंट 1 किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट 1 बराबर होगा 2 इंटू डिटरमिनेंट के बराबर होगा, 2 इंटू डिटरमिनेंट के बराबर, वही था यहाँ पे के वाला कंसेप्ट पीछे बताया थे आपको, देख क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे कि किसी भी एक रो एक कॉलम में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा डिटरमिनेंट में, और जो भी उसकी वैल्यू आएगी पिछले वाले डिटरमिनेंट से उतना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, देखिए प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे 6 है, ध्यान समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग हो तो, कितने राशियों का, 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 राशियों का योग हो तो वह साड़ी उसी कोटि के 2 साड़ियों के योग के बराबर लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई साड़ी कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उसके किसी पंक्ति या स्तंभ में, देखिए यहाँ पे उसके किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव 2 राशियों के योग के रूप में हो, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और उसमें किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक राशियां योगफल के रूप में लिखी हुई है, तो जितने पार्ट में मतलब कि 2 राशियां हैं तो उसको जब भी हम विस्तारित करके लिखेंगे तो उसको हम
दो साफ, अगर दो जो है आपको इसमें दो अवयव अगर दिया हुआ है तो उसको हम क्या करें कि दो पार्ट में उसको ब्रेक करके लिखेंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे तो केवल दो राशियां हम लिखवाए हैं, अगर तीन राशियां होगी, मान लीजिए किसी पंक्ति आश्रम में तीन राशियां आपको जो है दी हुई होंगी योगफल के रूप में, तो उसको हम लोग कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे, तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब इसको ब्रेक करने का आपको तरीका बताते हैं, तो ध्यान समझिएगा। अगर किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ में दो या दो से अधिक राशियां योगफल के रूप में हो, तो उसको उतने ही राशियों के योग के रूप में हम लोग सारणिक के रूप में विस्तारित करके दिखेंगे, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं, ध्यान समझिए, जैसे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास कोई सारणिक है डेल्टा इक्वल टू, यदि डिटरमिनेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे A1 है, ठीक है, यहाँ पे A1+X1 है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे C1 है, अगला में क्या दिया है A2+X2 ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे B2 है और यहाँ पे C2 है। अगले वाले में मान लीजिए कि यहाँ दिया है A3+X3 ये दिया हुआ है, और यहाँ पे B3 है और यहाँ पे कितना है C3 है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो भी सारणिक यहाँ पे दिया हुआ है, इस सारणिक में क्या है कि पहले वाले स्तंभ में, देखिए ये स्तंभ है, फर्स्ट वाले कॉलम में A1+X1 है, A2+X2 है, दूसरे में A3+X3 है, यहाँ पे B1, B2, B3, यहाँ पे C1, C2 और C3। तो यहाँ की सारणिक में अगर ध्यान से आप देखिए, तो जो C1 है उसमें दो पद है, दिख रहा है आपको, दो राशियां हैं, एक A1 है और एक X1 है, इसमें A2 है और एक X2 है, इसमें A3 और एक X3 है। इसका मतलब C1 में दो राशियां योगफल के रूप में लिखी हुई है। तो जब भी इसको विस्तार करके हम लिखना चाहें, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको विस्तारित करके हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, अगर किसी को हमको दूसरे फॉर्म में लिखना होगा तो क्या दिया हुआ है कि सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब कि दो राशि अगर योग में है कि कितने सारणिक के रूप में टूटेगा, दो सारणिक के रूप में। अगर तीन राशियां अगर योग के रूप में होती तो कितने सारणिक में टूटता, तीन सारणिक में। अब तीन सारणिक और दो सारणिक में कैसे टूटेगा, कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका समझिए। अगर ये पहला वाला अवयव है, ध्यान समझिए, जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसके साथ एक सारणिक बनाएंगे, और एक बार दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा उसके साथ एक सारणिक बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला जैसे ही बनाएंगे हम लोग, देखिए फर्स्ट वाला क्या बनेगा, A1 है, उसके बाद क्या है A2, उसके बाद क्या है A3, फर्स्ट वाला एलिमेंट दे दिए। अब देखिए इसमें B1, B2, B3, C1, C2, C3 में कोई चेंज नहीं होगा, उसको जस्ट का तस वैसे ही लिख देंगे, ठीक ना। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे B1, यहाँ पे लिख देंगे B2, यहाँ पे लिख देंगे B3, और अगले में क्या होगा C1, C2 और C3, इस तरह से आएगा। देखिए इससे जो है पहला साड़ी निकल गया, ठीक है। अब दूसरा साड़ी कैसे निकलेगा, अच्छा ये बताइए, बीच में A1, X1, A2, X2, A3, X3 योग के रूप में जुड़ा हुआ है कि अवतर के रूप में है, तो अगर योग के रूप में जुड़ा हुआ है, बीच में देखिए बीच में प्लस है तो योग के रूप में है, तो यहाँ पे हम बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अगर अंतर के रूप में जुड़ा होता माइनस के रूप में, तो यहाँ पे क्या होता, माइनस होता। ये बात भी क्लियर रखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, तो सबने क्या देंगे, प्लस। अब जैसे ही प्लस देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए A1, A2 और A3 के साथ हमने सारणिक बना लिया। अब हम किसके साथ बनाएंगे, X1, X2 और X3, यानी दूसरे वाली राशि के साथ। तो दूसरा वाला जो भी राशि है इसके साथ अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए, इसको लिखने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे देखिए X1, X2, X3 इसको लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे X1, X2, X3 हो गया। दूसरे वाले पंक्ति में तो वही रहेगा सेम, B1, B2, B3 इसमें कोई चेंज नहीं होगा, B1, B2, B3 वैसे ही रहेगा। उसके बाद C1, C2 और C3 ये भी उसी तरीके से रहेगा, आई बस समझ में। तो इस तरह से हम लोग जो इसका जो है एक्सपेंड कर देंगे, विस्तार करेंगे, तो ये और ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। तो याद रखेंगे कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में जितनी राशियां जो है योगफल के रूप में होंगी, दो या दो से अधिक, अगर दो राशियां होगी तो दो सारणिक के रूप में ये विस्तारित होकर दिखाएगा, अगर तीन जो है राशियां होंगी तो ये तीन जो है डिटरमिनेंट में इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे। ब्रेक करने आ गया,
अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री होता है, एक और यहाँ पे क्या लिखते हैं प्लस एक डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री के साथ बनाते आगे ना, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के दौरान। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया आप लोगों को। प्रॉपर्टी में क्या करना है कि जितने किसी भी पंक्ति या स्तंभ में जितने जो है राशियां योगफल या अंतर के रूप में आएगी उसको उतने ही सारणी के रूप में हम लोग इस तरह से विस्तार कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7 और ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होगी। इसी प्रॉपर्टी के बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। तो ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है कि प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि यदि सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरे स्तंभ या पंक्ति के संगत अवयव को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। तो सारणी का मान नहीं बदलता है, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब लोग समझते हैं, यह समझिए। अगर हमारे पास कोई सारणी है तो उस सारणी के किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर हम किसी कॉन्स्टेंट का किसी भी अदिश राशि का गुणा करके और उसको किसी दूसरे संगत पंक्ति या स्तंभ के अवयव में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जोड़ने या घटाने के बाद जो भी हमको सारणी मिलेगा उसका मान और मूल सारणी का जो मान होगा वो आपस में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर से समझिए, अगर किसी भी पंक्ति या स्तंभ के एक यदि किसी भी पंक्ति या स्तंभ कोई भी मान लीजिए हमारे पास सारणी हो गया, ठीक है, तो उसमें किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर कॉन्स्टेंट का गुणा या गुणा करके किसी भी दूसरे संगत पंक्ति या स्तंभ के अवयव में अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। मतलब कि जो मूल सारणी का मान होगा वही जो है चेंज करने के बाद इस सारणी का भी मान सेम रहेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की सहायता से हम लोग देखते हैं, ध्यान समझिए। इसमें ऑपरेशन क्या होगा, इसमें ऑपरेशन ऐसे हो सकता है, मान लीजिए कि आर वन में टू का गुणा करके आर टू में लिख रहे हैं तो लिखेंगे आर वन एरो आर वन टू आर वन प्लस आर टू, ऐसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कॉलम में करना होगा तो कॉलम में लिख सकते हैं। ये सब आप मैट्रिक्स के दौरान पढ़े हैं किस तरह से ऑपरेशन करना है। बस यही ध्यान देना है आपको कि जिस पंक्ति स्तंभ में गुणा करना होगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कि ना ऑपरेशन आपको लिखना जरूरी है। तो चलिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं और उसी की सहायता से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक सारणी दिया हुआ है, मान लीजिए कोई सारणी है जिसका अवयव एक दो एक तीन दो एक चार एक दो है इस तरह से, ठीक है। तो ये अगर सारणी दिया हुआ है तो इसका जो मान होगा और फिर चेंज करने के बाद जो मान आएगा उन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस सारणी का मान निकाल देते हैं। तो चलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। जैसे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम आर वन के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, आर वन के। तो आर वन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस माइनस प्लस इसको लिख देते हैं ऐसे। बोलिए यहाँ पे वन है तो वन के सामने वाला यह स्तंभ और ये पंक्ति पड़ेगा, ये रो और कॉलम कटेगा तो टू का टू में होगा तो वन इंटू टू टू या कितना फोर माइनस, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग क्योंकि ये सब चीजें आप बार बार सीख रहे हैं, ठीक है। ये वन था इंटू वन कितना होगा वन, फिर माइनस टू इंटू टू के सामने वाला रो और कॉलम कटेगा, थ्री टू या कितना होगा सिक्स माइनस फोर इंटू वन कितना हो जाएगा फोर हो गया, फिर प्लस वन इंटू ऐसे कटेगा देखिए रो और कॉलम थ्री बन जाए कितना होगा थ्री, समझ में आ रहा है, फिर माइनस ये कट गया ऐसे, ठीक है थ्री बन जाए थ्री माइनस कितना एट, क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ध्यान समझिए फोर माइनस वन कितना, फोर माइनस वन बताइए कितना होगा थ्री, थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा, उसके बाद सिक्स माइनस फोर टू हो जाएगा टू टू या फोर यहाँ पे माइनस फाइव होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे थ्री माइनस फाइव और फोर कितना होगा नाइन, थोड़ा जल्दी जल्दी समझिए आप लोग। फिर कितना लिखेंगे माइनस का सिक्स देगा वैल्यू, ये कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सिक्स आया कि नहीं आपका, आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ऑपरेशन करना है। रूल्स क्या कहता है कि अगर किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरे पंक्ति स्तंभ में जोड़े या घटाएंगे तो साड़ी का मान नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पे आर वन एरो क्या अप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आर टू में, देखिए यहाँ पे आर टू में अगर हम दो का मल्टीप्लाई करके आर वन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आर वन एरो, ऐसा ऑपरेशन करके देखते हैं हम लोग। आर वन एरो आर वन प्लस, यहाँ समझिएगा हम क्या ऑपरेशन अब यहाँ कर रहे हैं कि आर वन प्लस टू आर टू, इसका मतलब कि आर टू में दो का मल्टीप्लाई करके किसमें जोड़ रहे हैं आर वन में, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं आर वन में दो का मल्टीप्लाई करके आर टू में करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर वन प्लस कितना हो जाएगा टू आर टू, ऐसा यानी आर वन एरो आर वन प्लस टू आर टू का मतलब कि आर टू में दो का मल्टीप्लाई करके किसमें जोड़ रहे हैं आर वन में, और दिख किसमें रहे हैं आर वन में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑपरेशन कीजिएगा नया डिटरमिनेंट बनेगा, तो डिटरमिनेंट वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए हमको सेकेंड वाला थर्ड वाला वो से कोई मतलब नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं थ्री, यहाँ पे देखिए टू और यहाँ पे वन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फोर वन टू, लिख सकते हैं इस तरह से। हमको ऑपरेशन किसमें करना है आर वन में, अगर आर वन में ऑपरेशन करना है तो आर वन में ऑपरेशन क्या है कि आर टू में दो का मल्टीप्लाई करके किसमें लिखना आर वन में, आर टू यहाँ आर वन यहाँ पे, आर टू में किसका मल्टीप्लाई करना है दो का, तो थ्री में टू का करेंगे तो सिक्स होगा और सिक्स और वन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सेवन, ये हो जाएगा क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब बोलिए इसमें आर टू में यहाँ पे किसका दो का मल्टीप्लाई, तो टू टू या फोर और फोर और टू कितना हो जाएगा सिक्स, इसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा टू और टू और वन कितना थ्री, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, तो जैसे एक्सपेंड करेंगे तो बोलिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, याद है आपको साइन आर वन के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में आर वन के, तो यहाँ पे हो जाएगा सेवन इंटू ऐसे कटेगा टू टू या फोर माइनस वन का वन में होगा वन, फिर उसके बाद माइनस सिक्स इंटू ऐसे कटेगा थ्री टू या सिक्स माइनस फोर वन या फोर, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस कितना थ्री इंटू ऐसे कटेगा, यह हो जाएगा आपका थ्री माइनस कितना फोर टू या एट, यही होगा आपका एक्सपेक्टेशन। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, फोर माइनस वन कितना होगा थ्री, थ्री में सेवन का करेंगे ट्वेंटी वन, ध्यान समझिए ध्यान से दीजिए डायरेक्ट हम लोग करेंगे, सिक्स माइनस फोर कितना टू और टू में सिक्स का होगा तो माइनस टू है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा थ्री माइनस एट कितना हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस फाइव में थ्री क्या करेंगे माइनस फिफ्टीन, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये ट्वेंटी वन वैसे ही रहेगा माइनस ये बारह और पंद्रह कितना होगा माइनस ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी सेवन। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू, देखिए ट्वेंटी वन में से ट्वेंटी सेवन माइनस होगा कितना होगा माइनस सिक्स होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस सिक्स आया और यहाँ भी माइनस सिक्स आया, आया कि नहीं, तो याद रखेंगे दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं, सेम है। तो आप याद रखेंगे क्या, जब भी किसी भी साड़ी के एक पंक्ति या एक स्तंभ में अगर कांस्टेंट का गुणा करके किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ेंगे तो उस केस में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी था, इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब तक नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए वन से लेकर सेवन तक ये सारे प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, सारे प्रॉपर्टी याद रहेंगे तभी जाके हम जो है क्वेश्चन बना पाएंगे, और इसके इसी प्रॉपर्टी में आपको फोर मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स आता है, ठीक ना। इसलिए ध्यान से आप लोग इस प्रॉपर्टी को एक बार देख लेंगे, पढ़ के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन